वेस्टर्न देशों का दोगलापन यहीं से नजर आता है कि साल भर में कई सारी ऐसी रैंकिंग्स जारी करते हैं जिनमें अपने खुद के देशों को स्कोर देकर अपने आप को रैंक करते ही नहीं है। पिछले कल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद हमने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो उसमें पता चला कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल लो और मिडिल इनकम देशों के लिए जारी किया जाता है, यानी कि ऐसे देश जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। जैसे कि मानो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन या यूरोप के देशों में तो वहां पर होमलेस लोग सड़कों के ऊपर सो ही नहीं रहे, जबकि हम कई सारी पिक्चर्स और वीडियोस देख चुके हैं कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई सारे वेस्टर्न देशों में होमलेस लोग वहां पर सड़कों के ऊपर आ जाते हैं और दो टाइम की रोटी कमा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सेम जैसे भारत में होमलेस लोग सड़कों के ऊपर रह रहे हैं, उसी तरह से वेस्टर्न देशों में भी वहां पर काफी सारे होमलेस लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो वहां पर भरपेट खाना खाए भी नहीं रात को सोने के ऊपर मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद ये वेस्टर्न देश रैंकिंग्स जारी करके भारत को तो बदनाम कर लेंगे, लेकिन अपने देश की सच्चाई के बारे में ये बात कभी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक की, जिसे पता चलता है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा या सबसे कम भुखमरी है। दरअसल साल 2024 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आ गई है एंड एक बार फिर से इस रिपोर्ट में भारत को भरपूर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट में दुनिया के 127 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें से भारत का रैंक है 105। पिछले साल 2023 में भारत का रैंक 111 था, यानी कि इस बार 6 स्टेप हम ऊपर आए हैं। उससे पिछले साल 2022 की बात करें तो उस साल भारत का रैंक 107 था, 2021 में 101 था, यानी कि कुल मिलाकर भारत का रैंक हर बार 101 से लेकर 110 के आसपास ही रखा जाता है। इस बार भी 105 के रैंक के साथ इस लिस्ट में भारत को सीरियस यानी कि गंभीर भुखमरी की कैटेगरी वाले देशों में शामिल किया गया, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन इथियोपिया, सूडान, नाइजीरिया जैसे काफी सारे अफ्रीकन देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक 109 जबकि अफगानिस्तान का रैंक 116 है। वहीं पर भारत से ऊपर वाले देशों की बात करें तो श्रीलंका का रैंक 56 है, नेपाल का 68, म्यांमार का 74 है, जबकि बांग्लादेश का रैंक 84 है। यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि नामीबिया जैसे देश जिनको एक दो महीने पहले ही भारत ने फूड और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी, उसका रैंक इस लिस्ट में 86 है, यानी कि भारत से 20 स्टेप ऊपर। कहने का मतलब है कि जिन देशों को भारत यहां से एड भेजकर आज की डेट में लिटरली पाल रहा है, उन देशों में कम भुखमरी है और भारत में भुखमरी गंभीर लेवल के ऊपर पहुंच गई है। भारत को ये रैंक और स्कोर मिलने के पीछे 4-5 पैरामीटर्स हैं, वो तो खैर पूरी तरह से 22 पैरामीटर्स हैं जिनको डिस्कस करना ही टाइम वेस्ट करना है। लेकिन आप सबसे पहले ये मैप देखिए, इस मैप के ऊपर आप जो देश ग्रीन कलर के देख रहे हैं यहाँ पर भुखमरी कम है, यानी कि ज्यादा गंभीर हालत नहीं है। चाइना और रशिया भी ग्रीन है। वहीं पर भारत समेत ये जितने भी देश येलो कलर के साथ पेंटेड है यहाँ पर भुखमरी चरम के ऊपर है और सिचुएशन काफी गंभीर हो गई है। और वहीं पर ऑरेंज कलर वाले देशों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और भुखमरी के कारण देश के सभी लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब मैप के ऊपर आपको ये लेफ्ट साइड के ऊपर अमेरिका और कनाडा दिखाई दे रहे होंगे, नीचे वाली साइड ऑस्ट्रेलिया, राइट साइड के ऊपर जापान, साउथ कोरिया वगैरह हैं। इसके साथ ही बीच में यहाँ पर यूरोप के कई सारे देश भी हैं। आपने नोटिस किया होगा इन सब के ऊपर ग्रे कलर का पेंट है। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इन सभी देशों को कंसिडर ही नहीं किया जाता है। रिपोर्ट बनाने वाले संगठनों को लगता है कि ये देश डेवलप्ड देश हैं, इसलिए यहाँ पर भुखमरी तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर भुखमरी आ ही नहीं सकती है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करते हैं, इसमें आयरलैंड और जर्मनी बेस्ड दो संगठन हैं, जिनके नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, और इन दोनों संगठनों को वेस्टर्न देशों से फंडिंग मिलती है। इसलिए जब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बनाते हैं तो अपने देशों को ये लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, वहां पर ये सर्वे ही नहीं करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी इस तरह की रैंकिंग्स जारी करनी चाहिए ताकि हम भी वेस्टर्न देशों को एक्सपोज कर पाएं? हाँ या फिर ना, फालतू में खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।